आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले के आसपुर में मंगलवार को थाना परिसर आसपुर में आगामी त्योहार होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। थानाधिकारी सिवाय सिंह सोड़ा के द्वारा क्षेत्र में होली के त्योहार पर अवैध तरीके से शराब बिक्री करने वालों, शराबियों द्वारा उत्पात मचाए जाने, वाहनों को रोककर पैसे वसूलने सहित झगड़ा इत्यादि करने वालों के खिलाफ कानून कार्यवाही किए जाने की बात कही। साथ ही सभी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष कमल मेहता, व्यापार संघ अध्यक्ष सुशील जैन, खेड़ा सरपंच प्रकाश मीना, सदस्य अनिल गुप्ता, रायकी सरपंच धुलजी मीना, निक्कू बड़ौदा प्रवीण कुमार, धुलजी कलाल शहजाद शाह, कासम भाई, नगीन टेलर, जसवीर सिंह, कल्याण सिंह, भगवत सिंह, जगत सिंह, मांगीलाल पंचाल, किशन सिंह, दिनेश सेवक, गणेश खटीक, अशोक कलाल, शंकरलाल किर, मंजूर हुसैन, जसवंत सिंह मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से, प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। आज आसपुर और आसपास के मोहतपुर लोग और शांति समिति के सदस्य, सेली मेंबर, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक के सदस्यों की आगामी होली और धुलंडी पर्व को लेकर थाना परिसर में एक आवश्यक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उनके सुझावों को सुना गया, आपस में चर्चा की गई और कानून व्यवस्था और सामाजिक स्वार्थ बनाए रखने के लिए सबने विचार विमर्श किया और ऐसी कोई समस्या नहीं आने की नौबत दी और सबने नौबत नहीं आने देंगे ऐसी चर्चा की गई और सबने कहा सब मिलकर सहयोग से ये तैयार बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न होगा।